सो गाइस वीवो रेडी है इंडियन मार्केट में अपने नए स्मार्टफोन वीवो V40e को लॉन्च करने के लिए, जो कि एक मिड रेंज सेंट्रिक फोन होने वाला है। अब सच कहूं तो दोस्तों, इस फोन के लॉन्चिंग को लेकर मैं पर्सनली उतना एक्साइटेड नहीं हूं, क्योंकि वीवो की वी सीरीज दोस्तों प्रॉपर ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करती है, जहां पर हमें स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के रेशियो में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि प्राइस के हिसाब से यहां पर वीवो उतने अच्छे स्पेसिफिकेशन ऑफर नहीं करती है। लॉन्च डेट अनाउंस हो गए हैं दोस्तों, इसी महीने 25 सितंबर को ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। बट अच्छी चीज मुझे ये लगी कि लॉन्च से पहले ही फोन के फर्स्ट लुक और स्पेसिफिकेशंस को लेकर ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारे सामने निकल के आ गई है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फोन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे दोस्तों कैसा होगा ये फोन, यहाँ पर आपको क्या कुछ चीजें देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकेशन फीचर्स वगैरह कौन कौन से होंगे, प्राइस इसकी इंडिया में क्या रखी जा सकती है, और क्या हमें इस फोन का वेट करना चाहिए या फिर नहीं। इन टोटल सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो उसके लिए चैनल पर अगर आप नए हो तो अपने इस भाई को सपोर्ट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो गाइस ये जो फोन है ये ग्लास बैक के साथ आएगा, जहां पर आपको मैट फिनिश देखने को मिल जाएंगे। फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो गाइस वो यहां पर प्लास्टिक का होगा और आइकू G9S के ही डिजाइन लैंग्वेज को ये फोन फॉलो करेगी। उसी की तरह दोस्तों इस फोन के अंदर भी आपको प्रॉपर कर्व डिजाइन देखने को मिलेगा और सेम कैमरा हाउसिंग कैमरा मॉड्यूल के साथ ये भी फोन आएगा। तो डिजाइन जो है नो डाउट यहां पर आपको काफी प्रीमियम देखने को मिलने वाला है। बाकी रॉयल ब्रॉन्ज एंड मिंट ग्रीन के सिर्फ दो कलर में दोस्तों इस फोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, और सच कहूं तो ये दोनों कलर दिखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। वैसे ये फोन उन लोगों के लिए काफी अच्छा हो सकता है दोस्तों, जो इस प्राइस पर स्लिम और लाइट वेट फोन की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है ये फोन 7.5 mm थिक होगा और 183 ग्राम ही इस फोन का वेट होने वाला है। बाकी लीक्सटर के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर कहा जा रहा है IP65 के सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं, तो हल्की फुल्की पानी की छींटे भी ये फोन बड़े आराम से झेल लेगा, दिक्कत नहीं होगी। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर कहा जा रहा है 6.77 इंच का एक फुल HD प्लस 10 बिट्स 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, जहां पर आपको 1800 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल सकता है। Wide 1 L1 का भी यहां पे सर्टिफिकेशन होगा, HDR10+ के भी सर्टिफिकेशन देखने को मिलेंगे दोस्तों, और डिस्प्ले के ऊपर कहा जा रहा है शॉर्ट सेंसेशन का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी जो होगी वो नो डाउट प्राइस के हिसाब से यहां पर आपको काफी अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। जब भी आप इस फोन से स्क्रोलिंग करोगे, गेमिंग करोगे या फिर कोई और काम करते हो, तो 120Hz रिफ्रेश रेट होने की वजह से यहां से आपका एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहेगा। बाकी दोस्तों डिस्प्ले के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा और ये एक 10 बिट्स का पैनल होने वाला है। तो कलर्स वगैरह भी यहां पर आपको काफी पंची और बूस्टेड नजर आएंगे, मतलब जब भी आप इस फोन से वीडियो देखोगे, मूवी एंजॉय करोगे, तो उसका एक्सपीरियंस भी यहां से काफी अच्छा रहेगा। और 1800 nits का यहां पर पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिल सकता है दोस्तों, तो इंडोर और आउटडोर दोनों जगह विजिबिलिटी काफी अच्छी होगी, आइकन्स वगैरह यहां से आप क्लियरली देख पाओगे। बाकी परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7300 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी हमने कई सारे स्मार्टफोन के अंदर देखा है। 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे ये चिपसेट बना है और 6.5 लाख से अधिक इसके अंतुतु स्कोर निकल के आ जाते हैं, तो नो डाउट यहाँ पर परफॉर्मेंस जो होगा वो आपको काफी बैलेंस टाइप का देखने को मिलने वाला है। एक नॉर्मल यूजर्स को डे टू डे लाइफ में इस फोन के अंदर कभी भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बाकी अगर आप लोग अपने स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग वगैरह करना पसंद करते हो, तो 60fps की ग्राफिक सेटिंग पर आप इस फोन के अंदर BGMI जैसे हेवी गेमिंग बस कैजुअली खेल पाओगे। वैसे इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए इस फोन के अंदर आपको UFS 2.2 वाले स्टोरेज टाइप भी देखने को मिल जाएंगे एंड LPDDR4X का यहां पर रैम भी होगा, तो मल्टीटास्किंग वगैरह में फोन के अंदर दिक्कत नहीं होगी। बट एक ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड वगैरह जो होगी वो फोन की थोड़ी स्लो देखने को मिल सकती है, स्पेशली प्राइस के अकॉर्डिंग। बाकी एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आएगा दोस्तों, जो कि फन टच ओएस 14 के ऊपर रन करेगा, जहां पर आपको पॉसिबली 3 साल के ओएस अपडेट एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल सकते हैं। खैर अब गाइस चलिए हम आ जाते हैं इस फोन की बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड के ऊपर। तो गाइस इस फोन के अंदर आपको 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। बड़ी बैटरी है तो एक नॉर्मल यूजर्स को ये बैटरी लगभग 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर देगी दोस्तों। बाकी इसको चार्ज करने के लिए यहां पर आपको 80W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप इस फोन को 0 to 100% 50 मिनट के अंदर ही चार्ज कर पाओगे।
टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आएगा दोस्तों। फोन के अंदर 3.5 mm जैक और माइक्रो एचडी कार्ड के स्लॉट देखने को नहीं मिलेंगे। स्टीरियो स्पीकर के साथ ये फोन आएगा दोस्तों और 5G फोन है। इस फोन के अंदर आपको मल्टीपल 5G बैंड के सपोर्ट भी देखने को मिलेंगे। बाकी फिजिकल रैम के साथ साथ यहाँ पर वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन होगा और साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट भी देखने को मिल जाएंगे। लास्ट में गाइज हम अगर इसके कैमरे के ऊपर आते हैं तो पीछे की तरफ यहाँ पर आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलने वाला है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा दोस्तों, जहां पर आपको OIS के भी सपोर्ट देखने को मिलेंगे और ये सोनी का IMX882 वाला सेंसर होगा। बाकी दूसरे सेंसर के ऊपर आते हैं तो गाइज वो यहां पर 8 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे एंड सेल्फी कैमरा के ऊपर आते हैं तो गाइज वो यहां पर आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। तो कैमरा सेटअप जो होगा वो नो डाउट प्राइस के हिसाब से यहां पर आपको काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है, कोई भी इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज दोस्तों जो इसके कैमरे के अंदर आपको नजर आएगी वो ये है कि इस फोन के फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे के अंदर आपको मैक्सिमम 30 FPS पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करने का भी ऑप्शन मिलेगा। स्पेशली बैक साइड से इस फोन से आप अल्ट्रा स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, वो भी 4K में। तो गाइज यही थी पूरी कहानी Vivo V40e के स्पेसिफिकेशंस की। बाकी इसके वेरिएंट और प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको कहा जा रहा है 8GB 128GB एंड 8GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएंट में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। जो बेस वाला मॉडल होगा दोस्तों 8GB 128GB, उसकी प्राइस मुझे ऐसा लगता है इंडिया में 27999 या फिर 28999 रखी जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आपके हिसाब से इसकी प्राइस इंडिया में कितनी होनी चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इसके इंडिया लॉन्चिंग के बारे में बात करते हैं तो गाइस 25 सितंबर को ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, तो ज्यादा समय नहीं है, हम फिर से इस वाले फोन के ऊपर और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी आपका सवाल निकल के आता है दोस्तों, क्या हमें इस फोन का वेट करना चाहिए या फिर नहीं। तो गाइस अगर आपका बजट 25 से 30 हज़ार रुपए के बीच का है और इस प्राइस पर आप कोई वीवो का फोन परचेस करने की सोच रहे हो या फिर कोई कैमरा सेंट्रिक फोन परचेस करने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस फोन का वेट करना चाहिए। तो गाइस बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।